हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू टिक्की वाले बर्गर। उसके लिए हमने बर्गर लिए है, ब्रेड क्रम्स और ये उबाले हुए आलू में हमने लाल मिर्च, धना जीरू, काली मरी, हल्दी और नमक डाल दी है और एक कॉर्नफ्लोर और मैदा का गोल। अब इसमें अदरक घिस देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके टिक्की बनाएंगे। ये हमने टिक्की बना ली है, टिक्की को हम ब्रेड क्रम से लगाएंगे। अब हम इसे डिप करेंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर के गोल में। फिर से एक बार ब्रेड क्रम से लगाएंगे। अब इसे डीप फ्राई करेंगे। बर्गर के बन को हमने दो हिस्से में काट लिए बीच में से। अब इसमें बटर में काली मरी डाल के इस पे स्प्रेड करेंगे। ऊपर पत्ता गोभी का स्लाइस, अब ये टिक्की, ऊपर से प्याज और टमाटा। दूसरे स्लाइस से भी हमें बटर ऐड कर ली है। सो ये हमारा आलू वाला टिक्की बर्गर बन के तैयार है। कैसे लगा आपको ज़रूर बताइए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल पोहा। पैन में ऑयल लें, उसमें सरसों की दानी, जीरा और पीनट्स डाल दें। बाद में प्याज, हरे मिर्च, गाजर, कैप्सिकम, आलू और टमाटर भी डाल दें। सब्जी को बारीक काट दें जिसके लिए वो जल्दी ही पक जाए। हल्दी डाल दें, फिर पोहा डालें, अंत में नींबू डालें। तो फ्रेंड्स, हमारा मिक्स वेजिटेबल पोहा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक हेल्दी नाश्ता बना रहे हैं। इसके लिए ये देसी चना हमने रात भर भिगो दिया था और इसे टमाटा, ककड़ी, हरी मिर्च, प्याज, धनिया और नींबू और अनार के दाने, ये कटे हुए सारे हरी मिर्च, टमाटा, प्याज, ककड़ी को इसमें ऐड कर लेनी है। अच्छे से मिक्स कर लेना। स्वाद अनुसार नमक, हाफ टी स्पून चाट मसाला, आधा कटा हुआ नींबू का रस, सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़े से सेव, हरा धनिया, थोड़े अनार के दाने। ये हमारा चटपटी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फुदीना और धनिया की दही वाली चटनी। इसके लिए हमें चाहिए फुदीना और धनिया, लहसुन, मिर्च, सिम के दाने, नमक और दही। इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। दही के अलावा सभी प्याज, इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। टमाटर पहले इनको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे और बाद में लहसुन लेंगे।